नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हिंदी गुरुजी में। दोस्तों आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की जो हैंडराइटिंग अलग होती है, दवाइयों के नाम कुछ इस प्रकार लिखे होते हैं कि आपको समझ नहीं आते। आपको दवाई के नाम लिखकर व्हाट्सएप करते हैं तो आप पढ़ने में असफल रहते हैं। तो आखिर क्यों इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफिकेशंस डॉक्टरों की हैंडराइटिंग इतनी बेकार होती है? तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जब इसके बारे में एक महिला डॉक्टर से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर बनने से पहले बहुत ही मेहनत की। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत से एग्जाम पास किए हैं। समय बचाने के लिए वो बहुत तेज़ी से हैंड राइटिंग लिखते हैं, जिस कारण से उनकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी हो गई है, इसलिए लोगों के समझ नहीं आती। डॉक्टर ने बताया कि जब आप भी तेज़ी से लिखना शुरू कर देंगे तो आपका भी हैंड राइटिंग ऐसा ही हो जाएगा और आप भी डॉक्टरों की हैंड राइटिंग को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि जब आप किसी केमिस्ट को अपना दवाई दिखाएंगे तो वह झट से पढ़कर बता देगा। इसका कारण ये है कि वो जानते हैं कौन सी बीमारी की कौन सी दवा है, इसलिए वो झट से पढ़कर बता देते हैं। और दोस्तों वो जानते हैं, डॉक्टर और जो केमिस्ट होते हैं मेडिकल वाले, वो पता होते हैं उन्हें कि किस बीमारी की कौन सी दवा है। दोस्तों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI के तहत सभी डॉक्टरों को ये गाइडलाइन दी गई है कि सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और अपने मरीज को एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी दवाई किस काम आएगी। दोस्तों यही रीज़न है डॉक्टरों की जो हैंड राइटिंग होती है वो इतनी बेकार होती है, क्योंकि दोस्तों वो कम समय में बहुत से एग्जाम और बहुत सी तैयारी के साथ बहुत से अपना समय बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी हैंड राइटिंग लिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस बारे में पता चल सके। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा कॉस्ट नहीं है और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मेरी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के।